जय हिंद दोस्तों, आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि अलग अलग सोशल मीडिया पर ऑफिसर्स की आईडी होती है, मतलब कि उनका अपना अकाउंट होता है। ऐसे कई सारे ऑफिसर्स हैं जो अपनी निजी जिंदगी से या फिर अपने काम से रिलेटेड फोटोज अपलोड करते रहते हैं और जानकारियां भी शेयर करते हैं। लेकिन आप सभी देखते होंगे कि अपनी सोच को लेकर के वो थोड़ी इस मामले में पीछे होते हैं कि आखिर क्यों अपनी सोच वो शेयर नहीं करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई अलग अलग मुद्दे हमारे देश में चल रहे होते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में कर्नाटक में हिजाब को लेकर के चल रहा है। तो ऐसे मामलों पर आपने किसी भी IAS, IPS या PCS ऑफिसर को कमेंट करते हुए नहीं देखा होगा। तो आप सभी के मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर ये लोग क्यों कमेंट नहीं करते हैं, क्या इनके पास समय नहीं होता है? अगर समय होता है तो आखिर ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो चलिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी ले पाएंगे। सरकारी नियमों के अनुसार कोई भी IAS, IPS, PCS ऑफिसर जब भी फील्ड वर्क कर रहे होते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं, सरकारी आदेश जो भी दिया जाता है उनमें से कुछ आदेशों को छोड़ करके बाकी सभी आदेशों को वो पब्लिक नहीं कर सकते हैं। राजनीति से संबंधित हो, सामाजिक रूप से संबंधित हो या किसी भी विवाद से संबंधित हो, ऐसे मुद्दे पर कोई भी IAS, IPS, PCS ऑफिसर अपने विचार नहीं रख सकते हैं। ये भी नियम के अधीन है। ये ऐसा कोई भी कमेंट या कोई भी ऐसा ओपिनियन नहीं रखते हैं या नहीं रख सकते हैं जिसके वजह से विवाद खड़ा हो जाए या हिंसा पैदा हो जाए। वैसे तो इन नियमों को सामाजिक, राजनीतिक, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, लेकिन आप सरल तरीके से समझना चाहें तो यह भी सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि IAS, IPS, PCS ऑफिसर लोकहित में काम कर रहे होते हैं। इनका काम ही होता है कि जनता के बीच किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं हो, शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, इसके साथ ही जनता की सेवा निष्पक्षता के साथ करना, चाहे वो जिस भी धर्म या समुदाय से हो। इसके साथ ही वो राजनीति से संबंधित किसी भी वाद विवाद पर या किसी भी फैसले पर वो नहीं जुड़ सकते हैं, ना कोई अपनी राय रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि IAS, IPS, PCS ऑफिसर जितने भी ऑफिसर्स हैं अपना कोई भी काम इसलिए नहीं करेंगे या इस उद्देश्य नहीं करेंगे कि उनको फेमस होना है। ये पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है। लेकिन आज के समय की जरूरतों को देखते हुए और सोशल मीडिया के उपयोग को देखते हुए कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट्स को यह छूट दिया गया है कि वो जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो केवल लोकहित में होना चाहिए, अपने आप को फेमस करने के लिए नहीं। आप सभी देखते होंगे कि IAS, IPS, PCS ऑफिसर्स के जो अकाउंट है, चाहे वो फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो या कोई और अलग सोशल मीडिया पर हो, वहाँ पर वो अपनी निजी ज़िंदगी से रिलेटेड या अपने मौज मस्ती से रिलेटेड फ़ोटोज़ तो भले ही अपलोड करते हैं पर अपने विचार नहीं करते हैं।